अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। अगर पीछे से बैकग्राउंड में आपको मेरी बेटी की आवाज़ आए तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैं आई हूँ हसन क्लॉथ, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये रावलपिंडी में है, कमर्शियल मार्केट में। मुझे आर्या के कोट के लिए कुछ मज़ेदार से प्रिंट्स चाहिए थे बेडशीट्स के, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर रीज़नेबल और बहुत अच्छे मिलते हैं। ये है पूरा हसन क्लॉथ और यहाँ पर मैं आई हूँ। ये एक वाइट कलर का मैंने कपड़ा लिया था उसके मैट्रेस के ऊपर बिछाने के लिए। अच्छा जी, ये है कॉट जो कि मैंने इसकी पैदाइश पे ही ले लिया था, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत छोटी थी और ये इसको यूज़ नहीं कर पाती थी। खैर, ये मल्टीफॉर्म से हमने मैट्रेस लिया था छोटे साइज़ का और कम विड्थ का, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल बेड के इक्वल करना था ताकि बिल्कुल मेरे साथ रहे। ये साथ ही मेरा बेड है और साथ ही मैं यहाँ पर, ये जगह मेरी है जहाँ पर मैं लेटूंगी। ये वाली एक मैंने बेडशीट ली थी क्योंकि इसका जो ब्लैंकेट है वो मुझे हमारी एक फ्रेंड कॉलीग हैं उन्होंने दिए थे, तो उसके ऊपर भी बहुत मज़ेदार से क्यूट से एनिमल्स थे, तो मैंने ये बेडशीट भी इसकी इसी तरीके की ले ली। अच्छा, ये बेडशीट पूरी जो है मैंने हसन क्लॉथ से ली और ये मुझे 250 की पड़ी। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 250 की ये बेडशीट थी। और मेरे ऊपर ही एक आंटी हैं जो कि कपड़े सीती हैं बहुत मज़ेदार, तो उनको मैंने दिया और उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री में इसको सारा ना बना के दे दिया। ये जो अब आप देख रहे हैं, जो मैं प्लेसमेंट्स कर रही हूँ, जो मैंने साइड पर पूरा वो लगाया है और वो स्टार है और छोटे छोटे से पिलोज़ हैं, ये मेरी नन ने मुझे बना के दिए थे। और ये जो एलिफेंट है, ये जनाब मेरी मामा लेके आई थी मिनीसो से। और ये वाला जो अब आप, ये मैंने अभी आपको दिखाऊंगी, ये वाला जो एक छोटा सा टॉय है ये भी मिनीसो का ही है और ये भी एक फ्रेंड ने आर्या को गिफ्ट किया था। ये वो ब्लैंकेट है जो मेरी एक कोलीग हैं उन्होंने दिया था आर्या के लिए, तो इसके साथ मैंने सोचा था कि मैं वो एनिमल्स वाली ही बेडशीट लाऊंगी। बहुत मज़े का सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है, बहुत मज़ा आता है आर्या इसको, बहुत ईजी सा है और हल्का सा है और आर्या इसमें आराम से सो जाती है। अच्छा, जो ये इसका डायपर बैग है, ये भी मुझे उन्हीं कोलीग ने दिया था जिन्होंने ब्लैंकेट दिया था। इसके अंदर मैं इसके सारे डायपर सेट कर लिए और ये मैंने इसके कॉट के अंदर ही लगा दिया। बहुत इजीली अब मैं इसके आराम से इसी की जगह पे पास बैठ के डायपर वगैरह इसका चेंज कर देती हूँ, इसी के अंदर मैं इसका वो बेबी ऑयल रख दूँगी और सब कुछ बेस्ट हो जाता है। अब ये जो वॉल हैंगिंग है, ये आर्या की बर्थ पे मामा की एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था आर्या का नाम लिखवा के, उन्होंने ये खुद बनाया था या कहीं से बनवाया था। ये बहुत मज़ेदार है, कभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने कहा कॉट मैंने इसका सेट कर लिया तो चलो इसको इसी के ऊपर लगा देते हैं। नहीं जनाब, ये सारा मेरी बेटी का कॉट सेट हो गया है। कॉट मैंने लिया था पिंडी में कहीं से, मुझे याद नहीं है। और मैंने ये ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन से कलर का इसलिए लिया था क्योंकि मेरे कमरे का फर्नीचर सारा इसी कलर का है, तो मैं मैच करना चाहती थी। वाइट की ऑप्शन भी थी, शायद वाइट मैं आगे कहीं जा कर दोबारा ले लूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे अपने कमरे के साथ ही इसको सारा मैच रखना था। ये जनाब इसका सारा कॉट सेट हो गया है और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें, ये मेरा बेड है और बिल्कुल साथ उसका कॉट है। तो मैंने सोचा कि मुझे हसन क्लॉथ का नहीं पता था, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो अगर किसी ने बच्चों की बेडशीट्स वहाँ से लेनी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।